दोस्तों आज पूरा दिन सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है बॉयकॉट सुशांत मेहता। सुशांत मेहता जी एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, वो क्रिकेट को लेकर लगातार अपडेट्स देते रहते हैं, वो एक फनी वे में क्रिकेटर्स को रोस्ट करते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ क्रिकेट के बताते रहते हैं, ये है उनका प्रोफेशन। अब उनका बॉयकॉट आज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका 3 साल पुराना एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जो ट्विटर पर शेयर किया गया है रिसेंटली। उस वीडियो में वो मुसलमानों के आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 11-13 शादियां की, इसलिए वो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये जो वाक्य है मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर, इस वाक्य को लेकर मुस्लिम समाज में ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश है, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो, पाकिस्तान के मुसलमान हो या सऊदी बांग्लादेश के मुसलमान हो, सारे मुस्लिम समाज में ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया में सुशांत मेहता का बॉयकॉट किया जा रहा है इस वाक्य की वजह से। अब सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि शायद सुशांत मेहता जी जल्द ही मुस्लिम समाज से वो माफ़ी भी मांगने वाले हैं, तो अगर ऐसा कोई अपडेट रहा तो हम ज़रूर आपको देंगे। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लें कि एग्जैक्टली सुशांत मेहता जी ने 3 साल पहले क्या कहा था। मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है राम जी, लेकिन मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। राम सीता, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे इस्लाम पे शुरू हो जाऊं इजाजत से, अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद थे, मोहम्मद जी जो थे, उनकी 25 साल के बाद 24-25 साल में शादी हुई थी, 25 से मतलब 50 ईयर्स तक एक ही शादी हुई थी। आपको पता है बात, एक शादी हुई थी जब तक वो ऑलमोस्ट 50 साल के थे, रिपोर्टेडली जो लिखा गया। 50 साल के होने के बाद पता है कितनी शादियां हुई थी? 12 या 13 शादियां हुई थी, ठीक है ना। तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल सबसे पहले, क्योंकि देखिए इस्लाम इतनी तेजी से फिर फैला भी इसलिए, आप बाकी सब भूल जाइए, पीसफुल रिलीजन और इतना सारा, लेकिन जो ये एक बेसिकली मैन विल बी मैन वाला जो स्ट्रेटेजी सबसे पहले उन्होंने निकाली थी, लालच इतना था कि यहाँ आए 4 शादियां करें, एंजॉय करें आप, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए इतनी तेजी से फैला कि ये जब वही है ना कि आदमी को जब ये लालच मिलेगा तो वो तो फिसलेगा। देखिए अब ये कॉमेडी करने को आप किसी के ऊपर भी कॉमेडी कर दें, अब जो लोग को वो कॉमेडी पसंद आ रही है भाई, ये भी हमने कॉमेडी ही करी है ना अभी, तो आपको अगर उससे परेशानी नहीं है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं तो इससे भी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी किसी को कोई वो नहीं बोला, बदतमीजी वाली बात नहीं करी, मैंने एक फैक्ट स्टेट करा है जो अगर आप जाके पढ़ें, जैसे मैंने बताया 12-14-15 माशाल्लाह बोलते हैं, माशाल्लाह शादियां हुई हैं, और अगर आप आज की डेट में बोल रहे हैं मेरे पास काम नहीं है, हेटर्स हैव वन, आई हैव लॉस्ट, पहले तो आप इतने बड़े कोई आदमी नहीं है, आप क्विट गुड बाय, तो आपके लिए अच्छा हुआ है। कॉमेडी आपके लिए नहीं थी, ये आपके लिए भगवान ने अच्छा ही कर दिया। राम जी सीता जी को याद करा था ना, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया आपको कि बेटा ये आपके लिए नहीं था, आपको बचा लिया, आप कुछ और करें।